हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नोमी बाबा गेमिंग चैनल। तो यार काफ़ी भाई मेरे को बोले थे भाई यार 1v1 and 2v2 and 4v4 का भाई हम सिंपल मैप कैसे बना सकते हैं यार, अगर भाई हमारे को भाई उनको अगर गन अटैचमेंट स्कोप वगैरह भी अगर देने हैं ना तो भाई उनको हम कैसे दे सकते हैं भाई। एक सादा सा एक सिंपल सा भाई हम 1v1 का मैप कैसे बना सकते हैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उसका ट्यूटोरियल पता चल जाएगा। बाकी यार अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी यार मेरे इस वीडियो के नीचे आप लोगों का मेरा व्हाट्सअप का चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो अगर यार हो सके तो ज्वाइन कर लेना यार। उसमें क्या होता है कि यार हम आपस में जो अपने मैप्स को है ना सपोर्ट करते हैं, आपस के मैप्स को हम सपोर्ट करते हैं, आप लोगों का भी मैप मैं सपोर्ट किया करूँगा। अगर आप लोग जो है ना प्रॉपर उस चैनल पर आते हैं ज्वाइन होते हैं तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपके मैप्स को भी मैं सपोर्ट किया करूंगा। अगर आप लोग अपने मैप्स को बनाते हैं तो आपस में मैप्स को सपोर्ट किया करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर वायरल होने के चांसेस होते हैं। तो चलें भाई भाई सबसे पहले तो भाई आप लोगों ने जो है ना क्या करना है, ये जो स्पॉन डिवाइस है ना ये लगा देना है। एंड यहाँ पर स्पॉन डिवाइस मैंने 1 लगाया एंड इसको मैं यहाँ से नहीं यहाँ पे आके रखता हूँ ताकि छुपा हुआ बंदा थोड़ा। यहाँ पे स्पॉन डिवाइस 1 लगाया, आप लोगों ने क्या करना है इसकी जो इफेक्टिव टारगेट है ना इसके अंदर आना है, इसको सिंगल टीम रख देना है और ऐसे सेव कर देना है। यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे आ जाना है और ये शो डिवाइस इन गेम है ना इसको आप लोगों ने नो करना है, ऐसे सेव कर देना है। ये हमारा जो पहला बंदा होगा ना जो स्पॉन होगा ना वो यहीं से होगा, तो इसको हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ से फिर से हम आते हैं। दूसरा जो अगला वाला एनिमी होगा ना वो कहाँ से स्पॉन होगा उसका जो हम डिवाइस है ना यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आके लाते हैं और इसका जो सेटिंग है ना इसके अंदर चले जाते हैं। और ये जो टीम है ना टीम 1 वो टीम 1 था, इसको टीम 2 कर देना है ऐसे और सेव कर देना है। सिंपल सेव बस आसान है, ये चीज़ हो गया। अभी वो टीम 1 रहा और ये रहा टीम 2, ये से ही हमने सेटिंग्स वगैरह बना दिए। अभी हम चाहते हैं कि भाई ये जो हमारा मैप है ना ये भाई 4v4 का हो, 4 बंदे हो आपस में सामने खेलें, सही है, 4 बंदे हो 4v4 का हो आपस में हम सामने खेलें। तो उसका बता देता हूँ सबसे पहले तो भाई यार ये जो हमारे साइड में बने हुए हैं ना ऐसे ये जो वाल बने हुए हैं इससे बंदा दूसरी तरफ नहीं जाएगा। इसका जो डिवाइस का नेम है ना ऑब्स्ट्रक्शन डिवाइस, यहाँ पे हम सेटिंग्स में अगर आ जाते हैं ना यहाँ पे डिवाइस में अगर आओगे ना यहाँ पे गेम मैकेनिज्म में आओगे ना यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे आप लोगों को ये नज़र आ जाएगा, ये वाला डिवाइस है। इसका जो सेटिंग है ना मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसकी सेटिंग में आओगे इसका जो ऑब्स्ट्रक्शन लेंथ है इसको आप लोगों ने 100 कर देना है और इसका ऑब्स्ट्रक्शन हाइट है इसको भी आप लोगों ने 100 कर देना है। बाकी इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे स्टाइल्स की आप लोग ग्रे ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट इसके बहुत सारे कलर्स हैं वो भी कर सकते हो, बाकी मैंने इसे सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है तो ये आप लोग इजी से कर सकते हैं। जैसे मैं भी आप लोगों यहाँ पे टेस्ट करके देखा, जैसे मैंने यहाँ पे प्ले किया अभी साइड में देखो यहाँ पे मैंने ये वाला कलर लगाया था, अभी मैं जैसे ही जाऊँगा ना ये देखे मैं आगे नहीं जाऊँगा यहाँ पे ये भाई मैंने दीवार दिया होता है इसके आगे नहीं जाऊँगा, ये देखिए अभी आगे नहीं जाऊँगा तो ये मैंने इसका दिया हुआ था। आप लोग इसके हिसाब से यहाँ पे आप लोग इसका जो कलर है ना वो भी दे सकते हैं। तो चले भाई ये तो मैंने आप लोगों को डिवाइसेस के बारे में बताया था, डिवाइस मैंने लगा दिए थे। तो चले भाई अभी इनको जो है ना ये मैंने डिवाइसेस लगाई है ना इनको गन कैसे देना है ताकि जो बंदे हैं ना उनके पास गन हो वो कैसे देना है, तो इसके लिए क्या करना है आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे भाई ये वाला जो है ना आइटम इशू डिवाइस ये वाला आप लोगों ने लगा देना है। यहाँ पे जैसे ही मैं ये लगाऊंगा और इसका जो सेटिंग है ना सेटिंग के अंदर आएंगे और यहाँ पे भाई आप लोगों ने क्या करना है इसको कोई भी हो ना यहाँ पे हेलमेट हो गया, मैं ये वाला हेलमेट लेवल 3 का देता हूँ, ये वाला देता हूँ एंड ये मैंने इसको वेस्ट दिया था बैकपैक में लेवल 3 का दे देता हूँ। एंड जो मेन वेपन है ना पहला हाथ में कौन सा वेपन हो वो मैं M4 दे देता हूँ और सेकंड जो मेन वेपन है ना दूसरा वाला वेपन वो कौन सा हो भाई वो भी आप लोग यहाँ पे देना चाहते हो ना तो दे सकते हो, वो भी मैं यहाँ पे भी M4 दे देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे पिस्टल की बात करें तो पिस्टल भाई मैं यहाँ पे ये वाला P18C ये दे देता हूँ। एंड मिली वेपन की बात करें तो मिली भी यहाँ पे मैं ये वाला दे देता हूँ। इशू आइटम्स में क्या करना है कि भाई इनके बुलेट्स दे देना है, या जायज बात है याद रखना जो गन दोगे ना उसका ही बुलेट देना है दूसरा नहीं देना है। यहाँ पे ये वाला मैं बुलेट्स ये वाले बुलेट्स की दे देता हूँ। एंड स्कोप की हम बात करें ना तो स्कोप भाई मैं यहाँ पे एक ये वाला रेड डॉट दे देता हूँ
और एंड इसके अलावा भी यहाँ पे एक लेवल ये स्कोप 3 वाला ये वाला दे देता हूँ, एंड इसके अलावा 6x का भी स्कोप दे देता हूँ। भाई ये देने चाहिए, जो बंदा दिल करे वो उठाएगा फिर उसको। एंड एक ये ग्रेनेड भी दे देता हूँ, और इसके अलावा भाई यहाँ पे एक मैं मैग भी दे देता हूँ यहाँ पे। फिर से ये सेव लाजमी कर देना, अगर सेव नहीं करोगे ना तो प्रोग्राम बढ़ जाएगा, सेव लाजमी कर देना। ये चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे जो है ना एक दो तीन चार पाँचवें नंबर पे जो है ना यहाँ पे आ जाना है, परफॉर्म इशू आइटम, इसके अंदर चला जाना है और यहाँ पे स्पॉन डिवाइस 1 नेक्स्ट एंड ऐड, एंड यहाँ पे से ये वापस दूसरा जो डिवाइस है ना वो भी यहाँ पे ऐड करना है, डिटेशन न्यू एक्शन, इसके अंदर वापस आप लोग ऐसे दबाएंगे, सेकंड डिवाइस को भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऐड करेंगे, सेव करेंगे। ये भाई हमारे जो है ना अभी ये आइटम इशू के जो है ना डिवाइस है ना ये दोनों उन डिवाइसों से कनेक्टेड हो गया। अभी जैसे ही मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, सेव लाजिम कर देना है, प्ले करूँगा ना ये देखो भाई मेरे हाथ में अभी गन होंगे, ये देखो भाई गन आ गया भाई, ये देखो भाई अभी ईजी से यहाँ पे फायर कर सकता हूँ। तो चले भाई ये हो गया अभी गन वगैरह तो आ गए, अभी क्या करना है भाई और भी सेटिंग्स है ना वो भी जाहिर सी बात है करनी है। 4v4 का मैप कैसे बनाना है, इसका आप लोग 1v1 भी कर सकते हो, 2v2 भी कर सकते हो, वो सारा सेटिंग्स के अंदर होगा। सेटिंग में आ जाना है, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स, एक जो है ना कितने टीम्स होने चाहिए भाई, तो जाहिर सी बात है दो टीम ही होने चाहिए आप पे। आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स है ना इसको दो ही रहने दो, एंड मिनिमम नंबर ऑफ टीम्स ये भाई कितने होने हैं जब स्टार्ट होगा ना मैप, आप लोग ये 1 पे कर देना है। मिनिमम टीम साइज ये भी आप लोगों ने भाई 1 पे कर देना है, और ये जो मैक्सिमम नंबर टीम साइज है ना ये आप लोगों ने 4 पे रख देना है। मैं अभी ये 4x4 का ही बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4x4 का रख दिया। एंड यहाँ पे आप लोगों का यहाँ पे राउंड सेटिंग्स में अगर आ जाओगे ना तो भी यहाँ पे जो सिंगल राउंड ड्यूरेशन है ना इसको आप लोगों ने अपने हिसाब से रख सकते हो, 5 मिनट का भी गेम रख सकते हो, 10 मिनट का भी रख सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई, यहाँ पे मैं 8 मिनट कर देता हूँ, 8 मिनट का मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे ऑल वॉइस इसको भी ओपन कर देना है, ऑल टेक्स्ट चैट इसको भी ओपन यस कर देना है, एंड मैचिंग टाइम सेकंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 सेकंड, 15 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा मैच। ये मैंने सेव कर दिया, सेव यहाँ पे नीचे से लाजमी कर देने, एंड करेक्टर सेटिंग्स में आ जाने। यहाँ पे आने के बाद ये जो ऑटो हील आफ्टर बैटल है ना इसको आप लोगों ने यस पे कर देना है, एंड यहाँ पे इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पे इनविजिबिलिटी आफ्टर रिस्पॉन सेकंड है इसको आप लोगों ने यहाँ पे 3 पे कर देना है, रिस्पॉन लिमिट्स है ना इसको अनलिमिटेड कर देना है, रिस्पॉन वेटिंग टाइम है ना जब बंदा मर जाएगा ना तो उसके बाद कितने सेकंड में जो है ना रिस्पॉन होगा वो आप लोग यहाँ पे 3 पे कर दो। यहाँ पे नॉकडाउन बिफोर एलिमिनेशन डायरेक्ट ही भाई बंदा फिनिश हो जो है ना बंदा रिवाइव नहीं दे उसको, इसको यहाँ पे 9 पे कर देना है। ये चीज़ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है अनलिमिटेड एमओ इसको भी यस कर देना है, अनलिमिटेड मैट इसको भी यस कर देना है, एंड आइटम बिहेवियर अपॉन एलिमिनेशन इसको आप लोगों ने क्या करना है डिलीट पे रख देना है। जब आपका पेती बनेगा ना तो वो नज़र नहीं आए, जाहिर सी बात है इसको डिलीट पे ही रख दो, बार बार पेतियाँ ही बनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इसको आप लोगों ने ये सारे सेटिंग करने के बाद यस कर देना है। यस करने के बाद भाई अगर यहाँ पे आप लोग ये वाला सेटिंग भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, और यहाँ पे इसको मीटर ऐसे ही शो होंगे, खाली इसको भाई इनेबल ही करने रहने दो। तो टीममेट डिस्टेंस इसको आप लोगों ने डिसेबल कर देना है, एंड यहाँ पे ये वाला अगर हम बात करें ये इसको आप लोगों ने बस छोड़ देना है, यस कर देना है। ये चीज़ें करने के बाद विक्ट्री रूल्स भाई सबसे अहम जो है ना वो यही है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है एंड अपॉन मीटिंग एलिमिनेशन इसमें आना है, और यहाँ पे भाई आप लोग 20 से ऊपर किल दे सकते हो, कितना भी जितना भी आप लोग देना चाहे, मिसाल 20 से लेके 40 के दरमियान देना चाहते हो आप लोग जितना भी देना फिर चाहो वो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, सही है 30 मैंने ये कर दिया। और यहाँ पे टीम फैक्शन एलिमिनेशन इसको आप लोगों ने बीच वाला ये वाला कर देना है, राउंड आउटकम कंडीशन इसको आप लोगों ने यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमिनेशन ये वाला करके यहाँ पे भाई आप लोगों ने क्या करना है सेव कर देना है। अभी पूरे के पूरे सारे सेटिंग्स भाई यहाँ पे हो गए, और चले भाई अभी यहाँ पे एक दफ़ा हम प्ले भी करके देखते हैं। ये देखेंगे प्ले हमने कर दिया ना सारा चीज़ यहाँ पे भाई ओके हो गया, अभी यहाँ पे हम ईजी सी खेल सकते हैं। बाकी यार अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, तो हमें याद रखना यार।